हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 9 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम डेली द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कुछ एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज वैसे ही काफ़ी लेट हो गए हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है मोशन ऑफ थैंक्स। देखो, राष्ट्रपति है वो जब बजट का सेशन शुरू होता है उस टाइम पे जॉइंट सेशन वो आयोजित करते हैं, और उस जॉइंट सेशन में राष्ट्रपति वो संबोधित करते हैं। तो उसमें होता है क्या, उस जॉइंट सेशन में उसका बजट सत्र का जो पहला जो जॉइंट सेशन होता है उसमें एक्चुअली क्या है कि करंट जो गवर्नमेंट होती है उसके जो भी उपलब्धि वगैरह हैं वो सारे को, मतलब एक तरीके से उनको बताया जाता है कि ये इस बार गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है, और उनकी जो विधायी और जो नीतिगत जो उनकी पॉलिसीज वगैरह हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि उन गवर्नमेंट के द्वारा ये अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए। मतलब ये है कि जो करंट गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं, उन कामों के बारे में उनकी चर्चा वगैरह है वो की जाती है इसमें, उसके बारे में एक तरीके से उनकी ख्याति वगैरह वो काम किया जाता है। और इसके साथ ही फोकस किया जाता है कि जो भी नया बजट आ रहा है इसमें किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। तो ये जो काम होता है राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में जो रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है उसके जो एमपी होते हैं वो सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हाँ भाई, हाँ अच्छा काम किया राष्ट्रपति ने, हमारी तारीफ की, मतलब वो सारा काम होता है तो उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। तो इस चीज़ का थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए कि मोशन ऑफ थैंक्स है क्या चीज़ होती है, जिसके बारे में हमने जो पॉइंट्स थे हमने यहाँ पे देखे। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है CACP के बारे में। तो CACP है वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या न्यूज़ एक्चुअली है कि CACP ने जो भी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी थी और उससे के बाद गवर्नमेंट ने MSP है वो इंक्रीज़ की है, तो उसको बारे में ये न्यूज़ है। तो देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से प्रोडक्ट्स की MSP वगैरह इंक्रीज़ की है, इसके साथ बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि है क्या कमीशन। इसे देखो मेनली 1965 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था, इसे 1965 में बनाया गया था ताकि गवर्नमेंट को जो भी प्राइस वगैरह है उनके बारे में बता सके। कौन सी चीज़ों के, एग्रीकल्चर कम्युनिटी, मतलब जो एग्रीकल्चर जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी प्राइस वगैरह के बारे में, पॉलिसी वगैरह के बारे में गवर्नमेंट को बताती है, एडवाइस देती है कि भाई आप ये चीज़ों की प्राइस है ऐसे रखिए, अब इनकी MSP वगैरह बढ़ाइए, अब ये इन चीज़ों की प्राइस देखिए रेगुलेट करने का काम करती है, मतलब इसे एडवाइस देती है ध्यान रखना। हमें 1965 में इसे बनाया गया था। अब देखो जो मैक्सिमम जो MSP होते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती है, वो इसी की एडवाइस के ऊपर बाद में गवर्नमेंट है वो बाद में डिसाइड करके देती है। मतलब MSP की जो भी रिकमेंडेशन होती हैं वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजी जाती हैं, किसके द्वारा, CACP के द्वारा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक्शन है वो लेती है। तो ये चीज़ थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए कि CACP का काम क्या होता है। और सबसे अहम बात ये आती है कि है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसमें 3 मेंबर होते हैं टोटल, एक तो होते हैं ऑफिशियल मेंबर और 2 होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं वो एक्चुअली फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उनकी संख्या 2 रखी गई है ताकि वो फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हुए वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं ताकि फार्मर के हितों पे काम किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, PMUJ के बारे में देखते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, गवर्नमेंट ने इसका टारगेट अभी आगे बढ़ा दिया है और गवर्नमेंट ने और दस के टारगेट हैं वो रखे हैं, मतलब इसके लिए बजट नया एलोकेट किया है, वो सारे पॉइंट्स हैं। तो हमारे लिए बोर्ड न्यूज़ है या जो स्कीम है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट इसे 2016 में लेके आई थी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं पहले कि गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके क्यों आई। हमारे देश में क्या है कि जो महिलाएं हैं वो मेनली खाना बनाने का काम करती हैं, तो उसलिए क्या होता है कि रूरल एरिया में उनको क्या कि फॉसिल फ्यूल या जैसे लकड़ी वगैरह है इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ का इश्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब उनकी हेल्थ है वो ख़राब रहती है। और इसी के साथ ही वुमेन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने एकदम ये बढ़ाया था। तो गवर्नमेंट यह चाहती थी ताकि गाँव के अंदर भी जो गरीब लोग हैं जो कि BPL लाइन के नीचे आते हैं या BPL लाइन में आते हैं उनको एक्चुअली फ्री गैस कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब इसमें हमें 2-3 पॉइंट, एक तो ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट उनको फ्री गैस कनेक्शन किस तरीके से दे रही है। पहली बात तो ये है कि उनको गवर्नमेंट है वो कैश में असिस्टेंस देगी, मतलब कैश में उनको पैसा देगी ताकि वो गैस कनेक्शन है वो कहीं से भी ले सकें। तो एक तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि घर घर गैस कनेक्शन बांटने जा रही है, नहीं, उनको पैसा दे दिया जाएगा उसके बाद वो लोग पैसे से जो भी सिलेंडर्स वगैरह कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और मेनली BPL हाउस होल्ड्स के लिए स्कीम लेके आई है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, ताकि उनको LPG कनेक्शन मिलेंगे तो वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे और आराम से उनकी जो लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट रहेगी और उनको हेल्थ वगैरह का कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि फॉसिल फ्यूल है उसकी वजह क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ फोकस किया जाए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने LPG गैस कनेक्शन में फ्री देने का वादा किया और उसके तहत गवर्नमेंट ये। और एक तो इसकी टैगलाइन है वो आप थोड़ा देख सकते हो कि UPSC की बार पूछ लगती है मे बी कि इसकी टैगलाइन है वो गवर्नमेंट 2016 में इसलिए लेके आई थी कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नाम से इसकी टैगलाइन लेके आई थी। तो कई बार मे बी UPSC पूछ सकती है, तो हमें देखो कोई भी न्यूज़ छोड़नी नहीं है, से एक दो न्यूज़ एक्स्ट्रा कवर हो जाए उसकी कोई बात नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है
की है, पहली सोशल वेलफेयर स्कीम है जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा लेके गई है, और एक पहली ऐसी स्कीम है जो कि सोशल वेलफेयर की स्कीम है जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा लाई गई है, मतलब जनता के कल्याण के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की पहली गई स्कीम है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो ये मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में, तो देखते हैं क्या मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो है कि मीनामाटा कन्वेंशन है वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यह मर्करी से रिलेटेड है, मर्करी मतलब इसे पारा भी मेनली कहा जाता है, तो पारे से है रिलेटेड है। अब इसके बारे में पॉइंट क्या है देखते हैं। मीनामाटा एक जापान का शहर है और वहाँ पर क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी उनका पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ के पानी में मर्करी की जो मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उसकी वजह से नुकसान होने लग गया, तो लोगों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो उसी के बाद एक कन्वेंशन हुई थी, इसलिए वो मीनामाटा शहर के नाम पे है, तो हमें थोड़ा मीनामाटा का ध्यान रखनी है कहाँ पे। 2013 में इसे अडॉप्ट किया गया था, ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि देखो मरकरी होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, बहुत कम मात्रा में भी अगर उसका उत्सर्जन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में तो भी वो अच्छी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हेल्थ है उसके लिए भी ऑब्वियसली बहुत खतरनाक है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूँ कि मरकरी साइंस एंड टेक के लिए मेनली कि मरकरी है वो मेनली जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर भी है लिक्विड स्टेज में रहती है, एक पहली मतलब अभी तक एक सिंगल एक आप बोल सकते हो कि ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था। इसके बाद में देखो कि इसमें गवर्नमेंट का टारगेट ये रखा गया है कि भाई जो मरकरी की जो नई माइंस हैं उनको बैन कर दिया जाए और जो पुरानी माइंस हैं उनका भी लिमिटेड जो प्रोडक्शन है वो उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि जो मरकरी है वो अगर वो एक बार हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है तो फिर उसका क्या है बायोडिग्रेशन है वो नहीं हो पाता है और ना ही वो डिग्रेड हो पाती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान करती है और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं और मेनली गवर्नमेंट सबसे इसके दो तीन यूज़ और देख लेते हैं। मरकरी है उसका यूज़ है वो स्मॉल स्केल जो गोल्ड माइनिंग होती है उनमें भी यूज़ होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि गोल्ड की माइनिंग वगैरह में भी मरकरी है उनका यूज़ होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था, यूपीएससी में भी पूछ सकती है। और एक सबसे अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पे वो ये आता है कि मरकरी है वो WHO के अकॉर्डिंग टॉप 10 जो हजार्डस केमिकल हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं उसमें यह शामिल है, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और यह बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस के तहत ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करती है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है, क्योंकि देखो इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ इस चीज़ के ऊपर। और मरकरी है वो मेनली हमारे लंग्स किडनी हुई इसके साथ फेफड़े हुए इसके साथ स्किन हुई और आईजी इनको डायरेक्टली इफेक्ट करती है बहुत कम मात्रा में भी। और इसमें एक बता दूँ कि मरकरी के दो तरह की मरकरी होती है, एक तो होती है मिथाइल मरकरी और एक होती है एथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी है वो खतरनाक ज़्यादा होती है, जिस प्रकार मिथाइल एल्कोहल होता है वो खतरनाक होता है, वो जहरीली शराब के नाम से भी जाना जाता है, और इथाइल मरकरी है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसके बारे में हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए, और एलिमेंट है वो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है विलेज रिसोर्सेज सेंटर प्रोग्राम के बारे में, तो देखते हैं कि विलेज रिसोर्सेज सेंटर्स प्रोग्राम है क्या। यह मेनली VRC जो प्रोग्राम है यह सबसे पहले बता दूँ कि यह है साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री द्वारा मतलब इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्यों इसे इसलिए लॉन्च किया इसरो ने, ताकि हमारे देश में जो रूरल एरिया है जहाँ पे क्या है कि स्पेस रिलेटेड जो सर्विस हैं वो डायरेक्टली लोगों के पास पहुँच नहीं हो पाती है, मतलब लोग रूरल एरिया में लोगों को स्पेस रिलेटेड सर्विस हैं वो डायरेक्टली एक्सेस है वो दिया जाए, इसके तहत VRC जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। VRC सेंटर्स प्रोग्राम है वो बनाए लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा, और इसरो है वो इसे डिफरेंट NGO या फिर स्टेक होल्डर्स के साथ सेंट्रल और स्टेट की जो भी एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर इस गाँव में जो पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह काम करेगा। अब इसमें क्या क्या काम होगा, इसमें मेनली टेली हेल्थ केयर पर फोकस किया जाएगा, टेली एजुकेशन, इसके साथ नेचुरल रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है वो किसानों को दी जाएगी, और एग्रीकल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि इस बार बारिश वगैरह की जो बात हो कि इस बार तूफान वगैरह जो भी इन्फॉर्म करना होगा मतलब इसरो को वो सारी बातें इसरो के द्वारा इसे बताई मतलब किसानों को बताई देंगी। इसके बाद में स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अहम प्रोग्राम है वो VRC सेंटर के तहत चलाए जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, क्यों साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, तो वो कुछ बेसिक पॉइंट तो हमने यहाँ पे देखे। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ, तो आज का जो क्वेश्चन है पहला वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपको बताना है कि यह एक UN की एजेंसी है। दूसरा यह है कि इसे 1999 में बनाया गया था और इंडिया इसका पार्ट है, मतलब इंडिया ने ILO को साइन किया, इंडिया इसका मेंबर है, तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रेन ड्रेन और जो ब्रेन गेन का कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया कि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन ग्रेन में बदलना है, इसके लिए कौन सी स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है वो पोस्को के बारे में है,
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, एक्ट के बारे में है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है उसमें वो है 0 से 16 साल तक की। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि इसमें मेंटल एज को और बायोलॉजिकल एज है उन दोनों को काउंट किया जाता है। अब देखो मेंटल एज और बायोलॉजिकल एज क्या होती है। बायोलॉजिकल एज तो वो होती है जैसे नेचुरल जो बर्थ होती है, जैसे किसी की 94 है तो वो 94 से लेकर 20 जो होगी वो हो जाएगी बायोलॉजिकल एज। बस कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्या है कि दिमाग है वो उनकी उम्र के अकॉर्डिंग विकसित नहीं हो पाता है। मतलब जैसे उनकी उम्र है, बायोलॉजिकल एज है, वो तो होगी जैसे 94 की बर्थ है, बट उनका दिमाग है वो आज भी 2 साल के बच्चे की तरह है। तो उसको कहते हैं कि मेंटल एज, मतलब उनकी भी है 2 साल के बच्चे की तरह, तो वो होती है मेंटल एज। तो बायोलॉजिकल एज और मेंटल एज दोनों केसेज को इसमें काउंट किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अग्नि सेकंड मिसाइल के बारे में। अगली सेकंड मिसाइल के बारे में पहला ऑप्शन ये है कि इसे नॉर्मली अभी रिसेंटली हाल ही में आर्म फोर्स है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस है वो किया गया था। पहला ऑप्शन ये है अग्नि सेकंड मिसाइल के बारे में। दूसरा ये है कि यह इंडिया की पहली मिसाइल है जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। तो ये आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है यानी अग्नि सेकंड मिसाइल के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। एक्चुअली कल के जो आंसर्स हैं वो भी मैं आज काफ़ी लेट हो गए तो प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, तो उनके आंसर्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। हाँ, वहाँ पे कल का एक तो अच्छा पॉइंट था, वो था प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम के बारे में, तो वो मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। बाकी 2-3 जो क्वेश्चन थे उनके डायरेक्टली आपको आंसर वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप जो स्कीम थी, PMRF स्कीम थी, उसमें मेनली ये प्रावधान है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर जिन्होंने एमटेक वगैरह कर ली, इसमें एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि है मेनली साइंस एंड टेक स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ही है जिन्होंने बीटेक एमटेक या एमएससी कर ली है। उसके बाद गवर्नमेंट उनको थोड़ी फाइनेंशियल एड देगी ताकि वो स्टूडेंट हैं वो आगे ढंग से एक तरीके से रिसर्च वगैरह कर सकें, इनोवेशन को फोकस कर सकें। तो उसी के तहत गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 2018-19 के बजट में प्रावधान किया था। तो इसमें फाइनेंशियल एड वो दी जाएगी और यह सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, यह मेनली जो साइंस एंड टेक स्ट्रीम के जो बीटेक एमटेक और एमएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें गवर्नमेंट है वो 2 लाख की हेल्प वो प्रोवाइड करती है 5 साल के लिए, ताकि उनको रिसर्च ग्रांट भी मिलती रहेगी और आगे वो रिसर्च को प्रमोट कर सकें। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।